हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज। बुंदेलखंड के मुख्य द्वार कहे जाने वाले जनपद हमीरपुर में भारत सरकार के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह का आगमन। राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जी का भाजपा कार्यालय हमीरपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता व सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह हमीरपुर कार्यालय के बाद सुमेरपुर में स्थित रघुवीर पैलेस में कार्यक्रम आयोजन के लिए हुए रवाना, जहां पर प्रबंध सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में जनसभा को किया संबोधित। एक है तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर इरस के पास बढ़ा, ये बुंदेलखंड के अंदर ही आता है। हर घर से नल, नल पर जल की योजना के साथ सबको बुंदेल किया जा रहा है और विशेष रूप से बुंदेलखंड में जितनी योजनाएं दी है सब सारी, अभी आप कह रहे हैं वाला तुम्हारा प्रस्ताव हो ही गया है, इसमें बन जाएगा तो यहाँ भी सारी धरती बिल्कुल हरियाली हो जाएगी। बुंदेलखंड में पानी की समस्या और पलायन की समस्या, वो केंद्र सरकार की बिल्कुल पलायन की समस्या को रोकने के लिए आपने देखा होगा पाइप लाइन गाँव गाँव बिछाई जा रही है। वो पानी सबसे पहले पानी जैसा पुण्य काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी वो हर नल नल की योजना और हर नल में जल की योजना के माध्यम से हर घर में पहुंचाया जा रहा है। मंत्री जी, एक वीडियो वायरल हुआ है हमीरपुर जिले में दो दिन पहले, एक युवती के साथ बड़ी दरिंदगी की गई है, सारी हैवानियत पार की गई है उसमें, और एक सिपाही को निलंबित किया गया है। वो हमने वीडियो मंत्री मायावती जी ने ट्वीट कर, हमने वो वीडियो भी देखा नहीं है ना, अखिलेश और मायावती ने भी उसमें देखा नहीं है, जंगल राज की बात उसमें देखा नहीं है, उसमें हम कैसे आप बोल दें, या तो आप लोग दिखा दें, या तो आप लोग नहीं, या तो आप लोग उस वीडियो को दिखा दें, हम लोग देखें। बिल्कुल, हम दिखाने को तैयार हैं, यदि आप देखें। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।